हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। आज की इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स डीएमआरसी एंड एचएल के लिए यूजफुल है। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं उन स्टूडेंट के लिए एक ऑफर की बात बताना चाहूंगा जिन स्टूडेंट का एग्जाम्स डीएमआरसी एंड एचएल का एग्जाम्स है और उन्होंने अभी तक ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया है। यानी कि यदि वह स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट अभी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करेगा वह पिछले 2 मंथ तक की वीडियोज को वॉच कर पाएगा। यानी कि जब से जो ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हुई है, जब से जो भी लेक्चर ऑनलाइन कोचिंग में, यानी कि डीएमआरसी की प्रिपरेशन, एचएल की प्रिपरेशन, जितने भी चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, वह सारा चैप्टर जो है वह 20 डेज में कंप्लीट करके डीएमआरसी की एंड एचएल के एग्जाम्स की काफी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकता है। तो चलिए वेबसाइट पर मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या लेक्चर अपलोड हैं, कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हैं, क्या कुछ है, तो वह सारा कुछ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। और इसकी ओनली उनको प्राइस देनी होगी 500 रुपीज। यानी कि इससे पिछले वाले जो स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो समथिंग इसी मटेरियल का जो प्राइस दे चुके हैं वह 1000 रुपीज से भी ज्यादा दे चुके हैं, क्योंकि 2 मंथ से ज्यादा ऑनलाइन कोचिंग को ऑन हुए हो गया है और जब से जो है वह रेगुलरली कोचिंग कर रहे हैं। यदि आप अभी कोचिंग ज्वाइन करते हैं इसका रीजन है क्योंकि आपका एग्जाम्स जो है आने वाला है, उस वजह से चूंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर हम पिछली वीडियोज को वॉच करना चाहेंगे तो इतने कम समय में कैसे वॉच कर पाएंगे, तो मैंने आपको क्लियरली जो है 500 रुपीज में ही आप सारी वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं www.specialtechnoonlinecoaching.com। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर सारा कुछ देख पाओगे कि क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर कुछ फ्री ट्रायल के लिए है, एक वीडियो शायद फ्री ट्रायल में है। और यहाँ पर जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो बाय नाउ पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोर्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो 2 मंथ पहले कंप्लीट कराया था, सेफ्टी चैप्टर बाय स्पेशल टेक्नो, तो यह सेफ्टी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन का जो है पीडीएफ रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल का एक लेक्चर है, सेफ्टी चैप्टर की एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस है। तो इस प्रकार जो सेफ्टी चैप्टर कंप्लीट है अपने ऑनलाइन कोचिंग में, तो वहां से जो है आप इसको वॉच कर सकते हो। फिर उसके बाद मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल के यह सारे लेक्चर आप देख सकते हो, काफी सारे लेक्चर जो है मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल के कंप्लीट हैं। इसमें या गेजेस के लेक्चर भी यहां पर अपलोड है, तो जिसमें कि गेजेस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को क्लियर कर चुके हैं और गेज से जो है हर एग्जाम्स में आपका जो भी टेक्निकल एग्जाम्स है उनमें जो है क्वेश्चन आते हैं तो वह काफी अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। यदि आप इन वीडियोज को वॉच करते हो तो गेजेस से एंड मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है लगभग बाहर नहीं जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आता है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, जो कि अभी फिलहाल में ही लिमिट फिट एंड टॉलरेंस क्लियर हुआ है। तो यहां पर लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के यहां पर 6-7 लेक्चर हैं और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के भी लेक्चर हैं जिसमें मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो यह भी यहां पर अवेलेबल हैं, आप इनको भी वॉच कर सकते हो। एंड यहां पर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्विज, तो इन क्विज को आप अपने रिवाइज के लिए यहां पर क्लियर कर सकते हो, अपना टेस्ट देकर देख सकते हो इन क्विज में। तो यहां पर 7 क्विज अवेलेबल हैं एंड यहां पर कुछ पीडीएफ अवेलेबल हैं, यहां पर 1 पीडीएफ एंड हीट ट्रीटमेंट की एनिलिंग प्रोसेस, टेम्परिंग प्रोसेस और हार्डनिंग प्रोसेस, यह भी यहां पर अवेलेबल है। जॉब अपडेट यहां पर मिलती रहती है, जो भी रिसेंटली जॉब आती है वह यहां पर, एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियोस जो कि अभी सीरीज स्टार्ट की है आपकी डीएमआरसी एंड एचएल के एग्जाम्स के लिए, जो कि आज की जो वीडियोस अपलोड हुई है वह डीएमआरसी एमसीक्यू 6 वीडियोस अपलोड हुई है। और आज से जो है फास्टनर चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है, तो फर्स्ट लेक्चर जो है आज अपलोड हो जाएगा फास्टनर चैप्टर का। तो यहाँ पर यह सारा मटेरियल है, तो यहाँ देख सकते हो आप 40 वीडियोज हैं, 8 क्विज हैं, 4 टेक्स्ट हैं और 11 पीडीएफ अवेलेबल हैं। तो यह सारा वेबसाइट पर अवेलेबल है। यह जो मटेरियल है वह लगभग 2 मंथ 15 डेज का मटेरियल है, क्लियर है। यानी कि 2 मंथ 15 डेज में यह मटेरियल अपलोड किया था, बट आपका एग्जाम्स है इस वजह से जो कैंडिडेट न्यू हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं ओनली 500 रुपीज में। यह डीएमआरसी एग्जाम्स के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्जाम्स की वजह से यह करना पड़ रहा है। एग्जाम्स के बाद जो है वीडियोज रिमूव होती जाएंगी 7 डेज में,
में अभी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, काफी फायदे की बात है। मैं ज्वाइन करने के लिए थोड़ी सी हिंट दे दूंगा किस प्रकार आपको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे www.specialtechnoonlinecoaching.com, तो यहाँ पर इस टाइप का आपको पेज ओपन होगा और साइड में आपको दिखाई देगा साइन इन का ऑप्शन। तो साइन इन पर जैसे ही क्लिक करोगे, यदि मोबाइल में ओपन करते हो तो यहाँ पर मीनू का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको मीनू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां क्लिक करना है। उसके बाद आप फर्स्ट टाइम जो है लॉग इन कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू अकाउंट में और आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना रहेगा, जो कि आपको आपका पासवर्ड रहेगा एंड आपका यूजर नेम आपकी मेल आईडी रहेगी। क्लियर है? यहाँ पर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, स्पेशल टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग डॉट कॉम यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है और सिंपली आपको साइन अप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा बाय नाउ का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सिंपली एक पेज ओपन होगा पेमेंट का, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मेल आईडी, फोन नंबर एंड नेक्स्ट जब आप करोगे ये फिलअप करके, तो आपको पेमेंट मेथड आप किस माध्यम से करना चाहेंगे वह आपसे मांगा जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहो पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो है आप अपनी मेल आईडी में जो है मेल आईडी एंड पासवर्ड डालकर इनरोल हो पाओगे और जो है वीडियोस को वॉच कर पाओगे। सारी डिटेल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ या फिर इस व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क करेंगे किस प्रकार ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना है, तो मैं आपको एक लिंक फॉरवर्ड करूंगा। दूसरी वीडियोज में मैंने सारी डिटेल्स बता रखी, इसलिए मैं फिर से वीडियोज में डिटेल्स नहीं बताना चाह रहा, वीडियोज होगी। तो उस वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, किस प्रकार आपको ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना है, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार वीडियोस को वॉच करना है, वह सारा डिटेल्स है। जो कैंडिडेट जो है ज्वाइन करना चाहते हैं वह ओनली 500 रुपीज में यह सारा मटेरियल को वॉच कर पाते हैं, तो यह काफी अच्छी बात है आपके आने वाले एग्जाम्स है चूंकि, तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, इतना पता है मुझे, यदि आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे तो। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो है टाइम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो ऑनलाइन कोचिंग। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज का 6th लेक्चर है जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके लिए टेक्निकल एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैप यूज्ड टू कट द थ्रेड इन अ ब्लाइंड होल इज, एक ब्लाइंड होल में थ्रेड काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला टैप है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर जो हमारे हैंड टैप होते हैं वह 3 सेट में होते हैं, यानी कि टैपर टैप जिसे हम फर्स्ट टैप बोलते हैं, एंड सेकेंड टैप जिसे हम इंटरमीडिएट टैप बोलते हैं, एंड थर्ड टैप यानी कि बॉटमिंग टैप जिसे हम प्लग टैप या फिर फिनिशर टैप या फिर बॉटमिंग टैप बोला जाता है। यानी कि हैंड टैप के सेट में 3 टैप होते हैं। तो इन्होंने क्लियर किया है कि यदि हमें किसी ब्लाइंड हॉल में, यानी कि जो थ्रो आउट हॉल नहीं है उसमें यदि टैपिंग करनी है तो किस टैप का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहां पर जो है हम बॉटमिंग टैप का इस्तेमाल करेंगे। इसका रीजन है कि बॉटमिंग टैप की ओनली 2 से 3 थ्रेड जो है टैपर में होती हैं फर्स्ट में, जिससे कि वह बॉटम तक, यानी कि उसके बॉटम तक, यह हमारा कोई हॉल है, ब्लाइंड हॉल है जिसमें हमारा यहाँ तक, यानी कि यह ब्लाइंड हॉल है, उसके नीचे जो है यह सॉलिड है, तो इसके बॉटम तक थ्रेड की पूरी गहराई बनाने के लिए हमें बॉटमिंग टैप का इस्तेमाल करना होगा, या बोला जाए कि फिनिशर टैप का इस्तेमाल करना होगा, या कहा जाए कि प्लग टैप का इस्तेमाल करना होगा। तो क्लियर है, जब हमें ब्लाइंड हॉल में टैपिंग करनी होती है तो बॉटमिंग टैप, फिनिशर टैप या फिर प्लग टैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स द ग्रेड ऑफ टॉलरेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सिस्टम एंड देयर आर, लिमिट्स की BIS प्रणाली में सहजता की ग्रेड को अंकों संकेतों द्वारा निरूपित किया जाता है और यह है, तो BIS सिस्टम में यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में जो ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के नंबर होते हैं वह 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं, तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीएनसी कोड से है, तो यहाँ पर जी कोड के बारे में पूछा है। सीएनसी के पर्टिकुलर कोड मैंने यूट्यूब चैनल की एक वीडियोस पर क्लियर कराए थे जिसमें मैंने सभी जी कोड और एम कोड को क्लियर कराया था। तो यहाँ पर पूछा है G02 फंक्शन इज यूज्ड फॉर, G0 फंक्शन का उपयोग के लिए किया जाता है, तो G02 का जो यूज है वह काउंटर
मोशन क्लॉकवाइज के लिए होता है, यदि वह पूछ लेता है G03 का तो हमारा होता है काउंटर मोशन काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर बोला जाए काउंटर मोशन एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो G03 हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, और G02 होता है क्लॉकवाइज। यदि G01 पूछता है तो वह लीनियर मोशन हो जाता है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर लेथ से, तो यहां पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी डन ऑन अ कैपेसिटर लेथ, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन कैपेसिटर लेथ पर नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान देने वाला है कैन नॉट बी डन ऑन अ कैपेसिटर लेथ, कौन सा ऑपरेशन है जो कि कैपेसिटर लेथ पर हम नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है अंडर कटिंग फॉर अ लेंथ इनोर देन द टूल विड्थ, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला है मोर देन द टूल विड्थ, यानी कि टूल की चौड़ाई से अधिक लंबाई के लिए अंडर कटिंग। तो यह हम आसानी से कैपेसिटर लेथ पर कर सकते हैं। नर्लिंग ऑपरेशन भी कैपेसिटर लेथ पर किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाता है टेपर टर्निंग इन बिटवीन सेंटर, यानी कि केंद्रों के बीच में टेपर टर्निंग। तो जो है कैपेसिटर लेथ पर किसी भी वर्कपीस को सेंटर टू सेंटर होल्ड नहीं किया जा सकता है, इसमें टेलीस्टॉक नहीं होता है। क्लियर? तो यहां पर जो है हम सेंटर टू बिटवीन सेंटर हम टेपर टर्निंग नहीं कर सकते कैपेसिटर लेथ पर, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा ऑपरेशन कैपेसिटर लेथ पर नहीं किया जा सकता। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आंतरिक थ्रेड का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त होने वाला टूल कहलाता है, अ टूल यूज टू मेक इंटरनल थ्रेड इज कॉल्ड, तो इंटरनल थ्रेड के लिए हमारा टैप यूज होता है। यदि वह पूछ लेता है एक्सटर्नल थ्रेड के लिए बाहरी थ्रेड के लिए, वहां पर हम यूज करते हैं डाई का। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल प्ले इन मेन रोल वाइल थ्रेडिंग ऑन आ सेंटर लेथ, निम्न में से किस भाग की सेंटर लेथ पर थ्रेडिंग के समय मुख्य भूमिका होगी। अब यहां पर ऑप्शन दिया गया है सेडल फीड रॉड आर्वर या फिर लीड स्क्रू। तो मैंने आपको क्लियर किया था सेंटर लेथ पर जब थ्रेडिंग की जाती है तो सेंटर लेथ का जो कैरेज मूवमेंट करता है वह हमारे लीड स्क्रू के जरिए करता है, यानी कि लीड स्क्रू से अटैच होता है हाफ नट, और लीड स्क्रू का मोशन हाफ नट के जरिए कैरेज तक जाता है और वह लीड स्क्रू के अकॉर्डिंग जो है कैरेज को मूव करता है। तो यहाँ पर जो मुख्य भूमिका होती है वह हमारे लीड स्क्रू की होती है, क्योंकि लीड स्क्रू से अटैच है हमारा हाफ नट और हाफ नट अटैच है हमारे सैडल से, तो सैडल मूवमेंट करेगा लीड स्क्रू के रोटेशन से। क्लियर है? तो यहां पर थ्रेड कटिंग के समय लेथ मशीन में मुख्य भूमिका लीड स्क्रू की होती है, तो डी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है टूल मेकर्स बटन आर मेड ऑफ, टूल मेकर का बटन से बना होता है, तो टूल मेकर्स का बटन किसी भी हॉल की लोकेशन को प्रोवाइड करता है, हॉल की लोकेशन को निर्धारित करने के लिए यूज करते हैं, और इसे हार्डेंड स्टील से बनाया जाता है, कठोर स्टील से निर्माण किया जाता है। क्लियर है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा है लेथ फेस प्लेट वर्क के दौरान भार के संतुलन के लिए लेड धातु का उपयोग किया जाता है, इसका कारण यह है कि लेड धातु होती है, यानी कि क्लियरली इन्होंने पूछा है लेड इज द मेटल यूज्ड फॉर बैलेंसिंग वेट ड्यूरिंग लेथ फेस प्लेट वर्क, द रीजन फॉर दिस इज दैट लेड इज, यानी कि क्या रीजन है कि हम लेड धातु का यूज करते हैं। तो यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, यहां पर दो रीजन होते हैं लेड धातु यानी कि सीसा का यूज करने का बैलेंसिंग वेट में, जब हम फेस प्लेट का यूज लेथ मशीन पर इनरेगुलर जॉब को जब होल्ड करना होता है उस कंडीशन में किया जाता है, और इनरेगुलर जॉब को जो है बैलेंसिंग मिलाने के लिए बैलेंसिंग वेट का यूज किया जाता है। उस बैलेंसिंग मिलाने के लिए जो मेटल यूज किया जाता है वह लेड होता है, और उसका रीजन है कि लेड हमारी सबसे हैवीएस्ट धातु है, सबसे भारी धातु है, इस वजह से इसका यूज करते हैं। और सेकंड रीजन है कि यह सबसे मैलिएबल धातु है, मैलिएबल धातु होने के कारण लेड को जो है ऐड करने में और उसे हटाने में, यानी कि जब हमें कुछ और लेड को ऐड करना होता है यानी कि वेट को ऐड करना होता है तो आसानी से ऐड कर सकते हैं और आसानी से उसे हटा सकते हैं। तो इसका दो रीजन होते हैं, आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे। जब यह क्वेश्चन पूछा जाता है दो टाइप से क्वेश्चन आता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर आपको दिया गया कि सर्वाधिक भारी धातु है, सर्वाधिक लचीली यानी कि मोस्ट डक्टाइल, या फिर टफनेस या मोस्ट इलास्टिक,
तो यहाँ पर मेलेबल नहीं दिया जाएगा जब यहाँ पर हैवीएस्ट दिया जाएगा। यदि यहाँ पर हैवीएस्ट नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर मेलेबल दिया जाएगा। क्लियर है? तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं, या तो हैवीएस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा या फिर मेलेबल मिल जाएगा, तो दोनों का आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट से है। तो यहां पर इन्होंने पूछा है हाइपोयूटेक्टाइड स्टील इज वन विच कॉन्सिस्ट। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील वह है जिसमें पाया जाता है। तो स्टील के थ्री टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे फर्स्ट स्टील है हाइपोयूटेक्टाइड स्टील। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील वह होती है जिसमें कार्बन परसेंटेज मात्रा 0.8% तक होती है। क्लियर है? यानी कि 0 से लेकर 0.8% तक जिस स्टील में कार्बन की मात्रा होती है वह हमारी हाइपोयूटेक्टाइड स्टील कहलाती है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। सेकंड स्टील के बारे में यदि बात की जाए, सेकंड स्टील होती है यूटेक्टाइड स्टील। ओनली यूटेक्टाइड स्टील वह स्टील होती है जिसमें हमारी कार्बन परसेंटेज मात्रा फिक्स होती है, जो कि 0.83% होती है। क्लियर है? तो जिस स्टील में 0.83% कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वह हमारी यूटेक्टाइड स्टील कहलाती है। थर्ड स्टील आती है हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। तो हाइपर यूटेक्टाइड स्टील के अंतर्गत वह स्टील आती है जिस स्टील में कार्बन परसेंटेज मात्रा 0.83% से 2.1% तक कार्बन की मात्रा होती है, वह हमारी हाइपर यूटेक्टाइड स्टील के अंतर्गत आती है। तो यह तीनों स्टील के बारे में क्लियर किया, तो वह किसी भी स्टील के बारे में पूछ सकता है। यहां पर उन्होंने पूछा है हाइपोयूटेक्टाइड स्टील के बारे में। तो हाइपोयूटेक्टाइड स्टील कार्बन अप टू 0.8% या फिर 83% एग्जैक्टली यदि बोला जाए तो। क्लियर है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन है कार्बन हैविंग जस्ट 0.8%। तो जस्ट 0.8% मैंने आपको बताया था वह हमारी होती है यूटेक्टाइड स्टील। यदि वह पूछता है कार्बन कंटेनिंग यह है 0.8% एंड अप टू 2.1%, तो यह हमारी हाइपर यूटेक्टाइड स्टील के अंतर्गत आती है। क्लियर है? तो तीनों स्टील आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हाइपो यूटेक्टाइड का कार्बन अप टू 0.8%, तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आया है और काफी सब्सक्राइबर व्यूअर ने यह क्वेश्चन जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से पूछा है, तो इसको क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन है इन द बीआईएस सिस्टम्स ऑफ लिमिट्स देयर आर 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सिस्टम नंबर सिंबल्स फॉर बोथ हॉल एंड शाफ्ट। यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं जिन्हें हम नंबर एंड सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंटेड करते हैं, दर्शाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ ग्रेड इज बेस्ट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गेजेस। यानी कि गेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस ग्रेड के जो है टॉलरेंस का यूज करते हैं। यहां पर हिंदी देख लेते हैं। लिमिट्स की बीआईएस प्रणाली में सहजता के 18 ग्रेड है जो छिद्र तथा सॉफ्ट दोनों के लिए अंक चिन्हों द्वारा निरूपित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सी रेंज गेज के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑनलाइन कोचिंग में मैंने गेजेस को जो ऑनलाइन कोचिंग में गेजेस को भी क्लियर कर चुके हैं चैप्टर को, एंड लिमिट फिट एंड टॉलरेंस को भी क्लियर कर चुके हैं। जब मैंने वहां पर लिमिट फिट एंड टॉलरेंस चैप्टर को क्लियर किया था उसमें ग्रेड ऑफ टॉलरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बीआईएस सिस्टम में 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं जिनकी जो कि रेंज में होते हैं IT01, IT0, IT1 to IT16। तो यहाँ पर जो है कुछ रेंज दी है जैसे कि 1 to 4, तो यह क्या IT1 to IT4, 5 to 8, IT5 to IT8। तो मैंने वहां पर आपको एक नोट में स्पेशल जो है नोट लिखा था व्हाइट बोर्ड पर कि नंबर की संख्या इंक्रीज होने पर हमारी एक्यूरेसी डिसइंक्रीज होती है एंड टॉलरेंस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? यानी कि क्या बोला था, जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज होगा हमारे पार्ट की एक्यूरेसी डिसइंक्रीज होगी और टॉलरेंस जो है इंक्रीज होगा। क्लियर है? जब हमारा किसी भी पार्ट पर टॉलरेंस अधिक होता है उस कंडीशन में उस पार्ट की एक्यूरेसी कम होती है। तो गेज जो है काफी हाई एक्यूरेट बनाए जाते हैं
तो उनकी जो रेंज रखी गई है वह IT1 to IT4, यानी कि गेज पर जो टॉलरेंस होता है, जो टॉलरेंस गेज पर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग के समय, जब गेज पर एक टॉलरेंस होता है किसी गेज पर, यानी कि गेज का मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस होता है, और एक टॉलरेंस होता है उस पार्ट्स का टॉलरेंस जिसमें उस गेज को बनाया जाता है। दोनों में बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर पार्ट के टॉलरेंस की बात नहीं की गई है कि हमारे पार्ट का टॉलरेंस क्या है। पार्ट का टॉलरेंस हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच में उसके नो गो और गो साइज को रखा जाता है गेज के, बट यहाँ पर गेज के मैन्युफैक्चरर टॉलरेंस रहता है, यानी कि गेज, क्योंकि गेज को भी एग्जैक्टली साइज में तो नहीं बना सकते हैं कि एग्जैक्ट साइज में बना सकें, तो जब हम गेज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें भी कुछ टॉलरेंस दिया जाता है, तो वह काफी क्लोज टॉलरेंस दिया जाता है, यानी कि जो टॉलरेंस ग्रेड होती है वह IT1 to IT4 रखा जाता है, जो कि काफी कम होता है। तो क्लियर है। तो इन्होंने केवल यही बात पूछी है कि BIS प्रणाली में जो गेज के लिए निम्न में से कौन सी रेंज जो है गेज के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी, सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी, तो वह IT1 to IT4 रहती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर गेज के मैन्युफैक्चर के बारे में डिस्कस किया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवल गेजेस कैन मेजर एंगल, वेवल गेज कोण का मापन कर सकते हैं। तो वेवल गेज जो है एक अप्रत्यक्ष मापी मेजरिंग टूल है, तो इनडायरेक्टली, तो यहां पर इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, द इंस्ट्रूमेंट विच हैज ऑल द फीचर्स ऑफ ट्राई स्क्वायर वेवल प्रोटेक्टर रूल एंड स्क्राइबर, यानी कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र जिसमें ट्राई स्क्वायर भी हो, वेवल प्रोटेक्टर हो, रूल हो और स्क्राइबर हो, सभी की विशेषताएं हैं, वह हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है। कॉम्बिनेशन सेट को जो है एक लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं, इसकी हर पार्ट्स के यूज के बारे में, इस टाइप से किससे कितने क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन क्लियर कराए थे कोचिंग में, तो वह सारा कुछ क्लियर हो चुका है जब हमने मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल को रीड किया था। तो इसके जो है प्रोटेक्टर हेड के बारे में, स्क्वायर हेड के बारे में एंड सेंटर हेड के बारे में डिस्कस किए थे कि तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या यूज होता है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आपके काफी बार पूछा जा चुका है, तो काफी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, टाइप बी के सेंटर ड्रिल के काउंटर सिंकिंग पोर्शन के अंतर्गत कोण, जिसे सेंटर हॉल की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, होता है, यानी कि द इंक्लूड एंगल ऑफ द काउंटर सिंकिंग पोर्शन ऑफ अ सेंटर ड्रिल ऑफ टाइप बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर हॉल्स इज। तो यहाँ पर उस प्रोटेक्ट जो हमारे सेंटर हॉल को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है, उसका एंगल क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा बी टाइप का जो सेंटर ड्रिल होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, किस प्रकार का होता है। तो सबसे फर्स्ट जो एंगल होता है यह हमारा उसका 60 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि जो सबसे पहले जो कोण टाइप का होता है वह 60 डिग्री। उसके बाद यह हमारा थोड़ा सा प्लेन रहेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो रहेगा वह भी हमारा 60 डिग्री का रहेगा। इस प्रकार इसमें बीच में जो है यह सेंटर लाइन है सेंटर ड्रिल की, जिससे कि आपको क्लियर हो सके यह किस बारे में चर्चा कर रहा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो थर्ड एंगल जो होता है वह इस प्रकार रहता है, जो है 120 डिग्री में रखा जाता है। यहाँ से जो है एक एंगल और बना देते हैं सेंटर ड्रिल में, बी टाइप सेंटर ड्रिल में। वह किस लिए होता है, वह इसलिए होता है क्योंकि यदि हमारा सेंटर ड्रिल किया हुआ हॉल किसी कारणवश जो है जमीन पर गिर जाता है, तो इस सेंटर हॉल में जो हमारा सेंटर हॉल है उसे प्रोटेक्ट हो सके, उसे बचा सके, उसे डैमेज ना हो। क्लियर है। तो उसके लास्ट में जो है 120 डिग्री का एक एंगल बना दिया जाता है जिससे कि वह सुरक्षित रह सके। क्लियर है। तो यहाँ पर उसी की बात करी जा रही है कि जो प्रोटेक्टिंग के लिए, जो सेंटर हॉल के प्रोटेक्टिंग के लिए जो एंगल रखा जाता है वह 120 रखा जाता है बी टाइप में। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, मशीन टी वोल्ट को संरक्षण में सुरक्षित रखना जरूरी है, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त सतह उपचार है। मशीन टी वोल्ट आर टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन द मोस्ट सुटेबल सरफेस ट्रीटमेंट फॉर दिस, यानी कि कोरोजन से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए कौन सा सरफेस ट्रीटमेंट जो है सुटेबल रहेगा टी वोल्ट के लिए। तो उसके ऊपर उसको संक्षारण से बचाने के लिए ब्लैकनिंग ऑपरेशन किया जाता है, ब्लैकनिंग की जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपिंग लेथ इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस वर्कपीस। कॉपिंग लेथ का उपयोग वर्कपीस के उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आइडेंटिकल फ्लैट, आइडेंटिकल स्क्वायर, आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल या फिर आइडेंटिकल स्ट्रिप। तो आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल का उपयोग किया जाता है कॉपिंग लेथ में, क्योंकि एक फॉलोअर के जरिए यह कार्य करता है और हाइड्रोलिक सिस्टम पर वर्क रहती है हमारी कॉपिंग लेथ, जो कि फॉलोअर जो है टेम्पलेट को फॉलोअर करता हुआ जो है उसी की शेप, जो हमारा मास्टर पीस होता है उसी की शेप हमारे वर्क पीस पर निर्माण करता है। तो वह हमारा जो वर्क पीस का निर्माण होता है वह आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल होता है। क्लियर है, क्योंकि लेथ है और लेथ पर हम सिलेंड्रिकल वर्क पीस को आसानी से बना पाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हीट ट्रीटमेंट से। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा, निम्न कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया संघटक का पैमाना रहित सतह का निर्माण करती है, यानी कि स्केल फ्री सरफेस प्रदान करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस अ स्केल फ्री सरफेस ऑन अ कंपोनेंट। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम किसी भी कंपोनेंट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसकी सरफेस पर, ऊपर की सतह पर एक स्केल आ जाती है, यानी कि एक पपड़ी जम जाती है। तो इन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कि वह सरफेस पर जो है स्केल नहीं आती है, स्केल फ्री सरफेस होती है। तो वह हमारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है इंडक्शन हार्डनिंग के अंतर्गत, यह जो है स्केल फ्री सरफेस हमें मिलती है। तो क्लियर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह इंडक्शन हार्डनिंग है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांचा काटते समय धातु अंत के निकट संपीडकों के रूप में टूटने की ओर प्रवृत्ति होती है, इसे के द्वारा टाला जा सकता है। यानी कि जब हम किसी भी ग्रुप की चिपिंग करते हैं, उस कंडीशन में चिपिंग करते हुए जब हम लास्ट में पहुंचते हैं, यानी कि कॉर्नर में पहुंचते हैं, तो वहां पर धातु के टूटने का खतरा रहता है, उसे बचाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर आप इंग्लिश देख सकते हो, वाइल चिपिंग अ ग्रुप द मेटल tends to break as lump when nearing the end. This can be avoided by. तो इसे किस प्रकार बचा जा सकता है, तो विपरीत साइड से अंतिम भाग की चिपिंग करके, यानी जब हम एंड में पहुंचते हैं तो अपोजिट साइड से यदि हम चिपिंग करते हैं, उस कंडीशन में जो है उस खतरे से बचा जा सकता है। क्लियर है, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, चिपिंग द एंड पोर्शन फ्रॉम अपोजिट साइड। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, टेपर टर्निंग की विधियों में से एक टेल स्टॉक की ऑफसेटिंग है, टेल स्टॉक का कौन सा भाग ऑफसेट किया जाता है। वन ऑफ द टेपर टर्निंग मेथड्स इज बाय ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक, विच पार्ट ऑफ द टेल स्टॉक इज ऑफसेट। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, टेल स्टॉक जो है दो भागों में बना होता है, एक होता है उसका बॉडी जो कि ऊपर का पार्ट होता है, नेक्स्ट होता है उसका बेस, यानी कि दो पार्ट में हमारा टेल स्टॉक होता है। तो बेस जो है हमारा बेड पर, यानी कि लेथ के बेड पर फिक्स रहता है, ऑफसेट की जाती है उसकी बॉडी को। क्लियर है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बेस, बॉडी, स्पेंडल या फिर होल यूनिट। तो यहाँ पर हमको करेक्ट आंसर है बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी को ऑफसेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराद पर मल्टी स्टार्ट थ्रेड की कटिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, चीजर्स, डाई हेड, फॉलोअर्स या स्प्लिट डाई। तो चीजर्स का उपयोग करके जो है मल्टी स्टार्ट थ्रेड को काटा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले टूटेगा, विच वन ऑफ द ज्वाइंट फेल फर्स्ट ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर सॉफ्ट सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग या रिविटिंग। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग जो है सबसे पहले अलग हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आने वाले टेक्निकल एग्जाम्स के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।